जो हमारे जम्मू कश्मीर में है, ये आप बोलते हो कि 50+70+ होगा। और मैं बड़ा शुक्रिया करता हूँ रैना साहब का, कुलदीप जी का, कि मुझे जारी कराया और जो काम मुझे सौंपे गए मैं आपको। बहुत अच्छा। साथियों, इंजीनियर संजीव बाली साहब जो कि एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं, इनके पिताजी स्वर्गीय बोधराज बाली साहब कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर के नाते उन्होंने काम किया। आज स्वर्गीय बोधराज बाली साहब जो कि एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, नेशनल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यकीनन ये उस बड़े मिशन की ओर जो भारतीय जनता पार्टी ने कदम बढ़ाया है कि जम्मू कश्मीर में अब की बार 50 के पार, और जैसा बाली साहब ने खुद कहा कि अब की बार 50 या 70 के भी पार लगता है, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही है। ये मोदी साहब ने जो जनता की भलाई के काम किए हैं, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, गांव के, शहर के, पहाड़ के, मैदान के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ मोदी साहब ने काम किया है, ये उसी का परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। मैं इंजीनियर संजीव बाली साहब का दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं, इनका खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इनके जॉइन होने से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी। और चूंकि ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, राजनीति को इन्होंने बचपन से अपने घर में बढ़ते हुए देखा है, तो इनके राजनीतिक अनुभव का भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ होगा। मैं हृदय से श्रीमान इंजीनियर संजीव बाली साहब का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूं।